अरे कहा किया बैजू ने? देख लीजिए, खुद देख लीजिए बैजू के करतूत। ऐसा भी कहा कर दिया है बैजू ने? दिखाइए, हमें दिखाइए। आप अपने फोन में ही देख लीजिए, हम इज्जतदार लोग हैं, हम नहीं बता सकते। हमारे फोन में हमको भी कोई बताएगा कि क्या हुआ? काहे परेशान है आप सब लोग? कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेहूदा वीडियो जो है वो किसने भेजा है। लेकिन माँ, ये वीडियो तो बैजू के फोन से ही गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? अनुराग भैया, हम ऐसा घटिया काम करेंगे? वो भी अपनी पत्नी के साथ? सृष्टि जी, अरे हमारा बात सुनिए। सृष्टि जी, देखिए, मोबाइल से गलती से कभी कभी अनचाहा वीडियो चला जाता है। ये हमारे घर का मामला है, आप लोग प्लीज चले जाइए। वाह, बेशर्मी देखिए इस फैमिली की। एक तो गंदा काम करते हैं, फिर अपनी गलती पे शर्मिंदा होने की बजाय इसे अपने घर का मामला बताते हैं। हाँ तो घर का ही मामला है हमारे, समझे आप? अरे घर का मामला था तो अपने घर के अंदर ही इसे समेट कर रखते, पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटने की क्या जरूरत थी? देखिए, हम आपकी फैमिली को इस ग्रुप से निकाल रहे हैं। हाँ, हमें अपने मोहल्ले में गंदगी नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सुना लिया आपने, अब आप प्लीज निकलिए। हाँ ठीक है, चलो चलो। हाँ चलो। हमको समझ में नहीं आ रहा है, सब कैसे हो गया? हमारा फोन से वीडियो कैसे, एकदम समझ में नहीं आ रहा हमको। बहुत शौक था ना हर टाइम हमारी फोटो खींचने का, तुमने हमारी फोटो इसलिए खींची कि पूरी दुनिया के सामने। क्या बात कर रही हैं आप हमारी पत्नी, हम अपनी पत्नी का ऐसा घटिया वीडियो बना के लोगों को मोहल्ले में बांटेंगे? एक बार सोचिए तो सही, कहाँ गया आपका विश्वास? पत्नी है आप हमारी, आपसे प्रेम करते हैं हम, ऐसा घटिया काम क्यों करेंगे हम? पर अपनी पत्नी का हम इज्जत नाम नहीं करेंगे। अच्छा, किस प्यारो विश्वास की बात कर रहे हैं आप? वो आपके फोन से वीडियो गई है बाहर, आपका नाम था उस पर। अरे आपका इज्जत हमारा इज्जत, आप काहे नहीं बात समझ रही हैं? अरे हमको नहीं पता, हम वहाँ सो के उठे ना, तो वहाँ फोन नहीं था हमारा। अच्छा, शायद बाथरूम में छूट गया। शायद बाथरूम में। अरे मैडम जी, हमको सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सो रहे थे, हम नींद में, तुमको याद नहीं है? मुंह धोने गए होंगे, शायद वहीं पे छोड़ के आ गए होंगे। तुम्हारी शायद बाथरूम की वजह से हमारी इज्जत का तार तार हो गया है, जानते हो तुम? और एक ऐसी नींद जिसमें इंसान को होश ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। तुम कैसे आदमी हो मैजू? मैडम जी, बात तो रहो से। चलो मान लिया, हमने मान लिया कि तुमने सब कुछ नींद और गफलत में किया। हमारा क्या, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सबको सजा भुगत।
भुगतनी पड़ेगी, हमें हमारे परिवार को, इस घर को, सबको सदा भुगतनी पड़ेगी। तुम दूर रहो, हमसे हमारे पास मत आओ। अब हमारी बात सुनिए ना आप। हमें कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से, हमें अकेला छो, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। चार दिनों का प्यार रब्बा, लंबी लड़ाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेजू बेजू ऐसा कैसे करेगा? वो का है वीडियो बनाएगा सृष्टि का ऐसा, और उसको कहाँ मिलेगा ये सब करके? सिस्टर को हमारा कितना जरूरत होगा ना, कितना अकेला महसूस कर रही होगी वो। हम उसके पास जाते हैं, बाबूजी को दवाई भी देना है, उनका दवाई पहले हम देंगे। दोपहर वाला दवाई कहाँ है बाबूजी का? कहाँ रख दिया हम? ये दवाई कहाँ रख दिया हम बाबूजी का? हम भी ना तो याद ही नहीं रहता है कुछ। वो याद आया, वो दवाई तो खत्म हो गया था, तो हम दूसरा दवाई मंगाए थे, तो पर रखे कहाँ हम? ससुराई तो हमें लग रहा है ना कि जितना हम पढ़ाई में घुस रहे हैं ना, उतना ही हमारा जो ये याददाश्त है ना, वो कमजोर होता जा रहा है। दिमाग खराब, अब दवाई ढूंढे या फिर सृष्टि के पास जाए, हम बताओ। वापस तो सीसीटीवी कैमरा, ये किस दिन काम में आएगा? ये तो मिस्टर जी हैं। ये कौन है? हे भगवान, दुलारी दीदी, दुलारी दीदी का बस चले ना तो पूरे एक ही दिन में पूरा राशन खत्म कर दे घर का। देवर जी तक कोने में क्या कर रहे हैं? फोन पे कुछ हो कर रहे होंगे रागिनी, तुम भी अपना का दिमाग लगा दे। बैजू का फोन देवर जी के हाथ में, बैजू का फोन देवर जी के हाथ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम कुछ गलत देख रहे हैं। शाबाश मेरे शेर, क्या दांव खेला है। बेल्टन, अब सृष्टि बैजू को कभी माफ नहीं करेगी। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी हमदर्दी, और फिर सृष्टि दौड़ते 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 मेरी बाहों में आ गिरेगी। इस जीत का तो आज जश्न होना चाहिए। ये क्या किया आपने भाभी? चुप, इनाम ना, अपने अपने ये गंदे मुंह से ना दोबारा मत निकालना, समझे तुम? इतना बड़ा विश्वास नहीं हो रहा हमें। हम सबने सोचा था कि तुम सुधर गए होगे, लेकिन तुम तो आस्तीन का सांप निकले। बैजू के फोन से सृष्टि का वीडियो बना के पूरे गांव भर में फैला दिए। शर्म नहीं आई? दिमाग कहां था तुम्हारा? सृष्टि की इज्जत का कचरा कर दिया तुमने पूरे गांव वाले के सामने। मैं क्यों करूंगा सृष्टि के साथ ऐसा? आप ये दूर रह के बात करो हमसे। आप ये क्या बकवास कर रही हैं भाभी? और क्या सबूत है कि इसे मैंने किया? हाँ सबूत,
सबूत ना दे भरजी, कुछ साबित करने के लिए दिया जाता है, समझ रहे हैं? हम अपनी आंखों से देख कर आए तुम्हारी ये घटिया हरकत, और अब ना ये घटिया हरकत पूरे घर वाले देखेंगे, समझे? तुम विश्वास नहीं हो रहा, तुम वही दे भरजी हो सृष्टि से इतना प्यार करता था और उसकी इज्जत के अलावा उसको कुछ और दिखाई नहीं देता था, और आज वही इज्जत तुमने पूरे गांव वालों के सामने जाके कचरा कर दिया, निलाम कर दिया, शर्म नहीं आया? हाँ किया मैंने ये सब उस पेजू को सृष्टि से दूर करने के लिए, क्योंकि सृष्टि सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी, वो किसी और की नहीं हो सकती। सुना आपने? किसी और की नहीं हो सकती। सुना? उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। चोर तुम्हें बाजार में उन लड़कों को मारपीट करते हुए लगा होगा ना, और नाम भेजू का लगा दी। हाँ लगी तो क्या कर लेंगे आप मेरा? हाँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। बिस्बेस सिंह, शायद तुम भूल रहे हो कि हमारा नाम रागिनी सिंह है, समझे? एक भी चाल ना, एक भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे तुम्हारा, समझे तुम इस घर में? अब इतना के बताते सारे घर वालों को। अच्छा ये सब करके आप मुझे रोक लेंगी? अब देखिए मैं क्या करता हूं, सारा किस्सा मैं आज ही खत्म करूंगा। जो हो गया सो हो गया बेटा, अब मिट्टी डालो उस बात पर। मां आपको ये डंडा याद है? जब मैं, भैया और दिव्या आपस में लड़ते थे तो आप यही डंडा दिखाकर हमें राइट टाइम करते थे। एकदम याद है बेटा, और सबसे ज्यादा जो है ना हम तुम्हारा ही पिटाई किए, कहा कि तुम बहुत शरारती थे। आई जो है दिव्या को इतना परेशान करता था ना, हमारे हाथ तो बहुत पीटता था। तो माँ धीरे बहुरानी, कहाँ दौड़ी भागी चली आ रही हो? मैंने ना आज रागिनी भाभी को बहुत तंग किया है। लीजिए भाभी, मारिए मुझे। देवा जी, देखिए। क्यों भाई, क्यों परेशान करो अपने भाभी को, और कैसे परेशान करो ये तो बताओ। बताइए भाभी, क्या कहा था मैंने आपको? चलिए मैं ही बता देता हूं। मैंने इनसे कहा था मैं सृष्टि और बैजू को एक साथ नहीं रहने दूंगा। मैंने कहा था कि मैं सृष्टि से प्यार करता हूं और सृष्टि सिर्फ मेरी है। यही कहा था ना भाभी? हाँ यही कहा। तो भाभी बस गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुम्हारी चाल मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो बस भाभी अब ये ड्रामा ओवर, ये डंडा लीजिए और कीजिए मेरी पिटाई। आपके पास पूरा हक है मुझे मारने का, मैंने गलती की, आप मारिए मुझे भाभी। देवी जी आप, हम जानते हैं रागिनी, वीशु जी ने मजाक किया होगा। देखिए देवी जी, हम जानते हैं। कहाँ जानते हो बहुरानी है? तुमको पता है ना इससे शरारत करने का बहुत पुराना आदत है, कहाँ इसकी बातों में आ रही हूँ। मगर देवी जी आप अगर, मगर छोड़िए भाभी, लीजिए मारिए मुझे। विशु बहुत हो गया ये मजाक है, अब तुम ये मजाक छोड़ दो नहीं तो ये डंडा जो है ना हमें उठा लेंगे। ऐसे कौन अपना भाभी को परेशान करता है का? हम कह रहे हैं माफी मांगो, तो माफी मांगो। ओके सॉरी भाभी। ओहो रागिनी तुम क्यों फिजूल में परेशान हो रही हो, चलो थोड़ा आराम कर लो। नहीं 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 मिस्टर जी, फालतू का बात नहीं, हम जानते हैं ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। ओह गॉड रागिनी, वो एक्टिंग ही कर रहा होगा, तुम्हें पहले भी तो ऐसे परेशान करता था ना। हाँ
देखिए विशु जी को तो हम बचपन से नहीं जानते हैं, हम अभी अभी जानने लगे हैं कि नहीं, लेकिन विशु जी ऐसा सोचेंगे हमको नहीं लगता है एकदम। और हाँ एक बात कह सकते हैं कि विशु जी एकदम दमदार एक्टर है। He is right. तुम बेकार में परेशान मत हो, शांत हो जाओ। आई लो तुम्हारा डंडा। चलो तुम आराम करो, चलो मिस्टर जी एक मिनट हमारा बात सुनिए। रागिनी मैंने कहा ना शांत हो, तो चलो मेरे साथ। टेक केयर भाभी। हमें ये बात मिस्टर जी को सबूत के साथ बता देना चाहिए। अरे चलो ना, जाओ बहुरानी आराम कर लो। अब सुनिए आप जरा कमरे में आइए, हमें आपसे कुछ काम है। आपके लिए काम करने के लिए तो हम हमेशा ही तैयार है। चलिए कैसे दुनू जोड़ी खिसक गया, खाली काम काम। तुमको ना इस स्वेटर बुनने के अलावा जो है वो सब है कुछ पता रहता है। मिस्टर जी हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैंने कब कहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। मिस्टर जी आप यहाँ बैठिए, हमें आराम की जरूरत नहीं। ये आप ही लैपटॉप लीजिए। आप ही नहीं कहा था ना कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मशीन कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसमें वो सीसीटीवी का पूरा रिकॉर्ड हो गया होगा ना। वो फुटेज देखनी है तुमको। हाँ फुटेज वो आप चेक कीजिए, इसमें ना सारा सच्चाई दिख जाएगा आपको। अभी कर देता हूँ एक सेकेंड। ओह नो शिट, क्या हो गया मिस्टर जी? उसमें ऑटो डिलीट का जो ऑप्शन है वो मैं हटाना भूल ही गया। और वो नहीं मतलब हम समझे नहीं क्या मतलब होता है उसका। इसमें फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो फुटेज नहीं दिखेगा इस बार? नहीं दिखेगा, लेकिन अगली बार के लिए मैं उसकी सेटिंग चेक कर लेता हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम से अगली बार ऐसे नहीं होगा। अगली बार का बात नहीं है मिस्टर जी। आप मिस्टर जी आपको हमारे ऊपर विश्वास है कि नहीं है? देवर जी ने बहुत गंभीरता से हमें ये बात बोला था। मैं जानता हूँ रागिनी, उसने भी मुझे यही बात बोली थी, लेकिन उसने मजाक किया था। इट वॉज जस्ट अ प्रैंक, अब भूल जाओ इस बात को, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। नहीं करना आराम हमें। अरे रागिनी क्यों? बाबूजी के कमरा में जा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, उनको हमारा जरूरत हो। तुम्हें ये धागा याद है? ये धागा तुमने हमें पहनाया था हमारी रक्षा करने के लिए, और उसके बाद हमने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया था, अब बहुत जुल्म ढाए थे आपके ऊपर, यही याद दिलाना चाहती है ना आप? हमको एक बात याद है। नहीं बैजू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम ये बात तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहते थे। तुम अब वो पुराने बैजू जैसे नहीं रहे, अब तुम हमारे बैजू हो गए हो। बैजू तुमने बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी है हमारा भरोसा जीतने के लिए, और अब हम खुद से भी ज्यादा भरोसा तुम पर करते हैं। बैजू आज सुबह हम यूं ही तुम पर गुस्सा हो गए। दरअसल जो कुछ भी हुआ हम उसे बहुत परेशान हो गए थे, हमें समझ नहीं आया हम कैसे रिएक्ट करें, लेकिन हमें पता था, सच में पता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। और तुम भी तो समझो ना, वाइफ और हस्बैंड में हर कितनी सारी बातों पर झगड़े होते हैं, और हर झगड़े रियलाइजेशन के बाद प्यार और बढ़ जाता है, तो झगड़ा भूलकर और प्यार बढ़ा दो, और प्लीज ये धागा फिर से पहना दो। लाइए। लाइए। अब जब सुलह हो गया है तो थोड़ा प्यार भी कर लीजिए। नहीं अभी हमारे पास बहुत काम है, फालतू का टाइम होगा तो फिर आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी।